दोस्तों वेलकम इन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आई एम अंकित सिंह और आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसको नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे इसको समझेंगे, बहुत आसानी के साथ कैसे समझेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, तो देखते हैं। एडजेक्टिव इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स आर क्लैरिफाई अ नाउन। इट इज अ वर्ड अर्थात यह एक ऐसा शब्द है दैट डिस्क्राइब्स जो वर्णन करता है या क्लैरिफाई या स्पष्ट करता है नाउन। अर्थात एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो एक नाउन के बारे में वर्णन करता है कि नाउन क्या है। ओके, सेकेंड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट्स साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन और मटेरियल। अर्थात एडजेक्टिव और हम लोग कैसे जान सकते हैं, जिसके भी बारे में वर्णन करता है तो उसका साइज के बारे में बताता है, या तो शेप के बारे में बताता है, या एज के बारे में बताता है, या कलर के बारे में बताता है, या ओरिजिन के बारे में, या मटेरियल्स के बारे में बताता है, जिसके भी बारे में बात की जाती है। लास्ट पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। अर्थात एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही आता है। अब देखिए नाउन के पहले क्या क्या शब्द, नाउन के पहले जो बैठे जो भी शब्द आता है वही हमारा होता है एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव जैसे ले लेते हैं, मेरा नाम अंकित सिंह है तो अंकित सिंह के पहले ले लो, अरे पंखा लगा तो पंखा अंकित सिंह, पेन अंकित सिंह, ठीक है, बाजा अंकित सिंह। क्या ये बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट एडजेक्टिव। अब इसके पहले लगाओ अच्छा अंकित सिंह, बुरा अंकित सिंह, मोटा अंकित सिंह, पतला अंकित सिंह, ओके, तो इस ये शब्द हमारे क्या बैठ रहे हैं, उसके आगे बैठ रहे हैं। इट मीन्स जो भी नाउन के पहले जो शब्द बैठ जाते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। ओके, हम लोग एग्जांपल के हिसाब से देख देते हैं। इट इज अ बिग टेबल, इट इज अ बिग टेबल, देखिए इट इज अ बिग टेबल अर्थात यहाँ पर टेबल जो है, टेबल इज नाउन बट टेबल के पहले क्या है, बिग है, तो ये बिग हमारा क्या है, टेबल क्या है, टेबल के बारे में क्वालिटी बता रहा है, टेबल के बारे में वर्णन कर रहा है, इट मीन्स बिग, और ये नाउन के पहले भी आ रहा था, तो टेबल के पहले यदि बिग के जगह कुछ दूसरा लगाया जाता तो नहीं बैठता। ओके, जैसे फैट टेबल लगा देते तो फैट तो नहीं होता। ओके, तो फैट नहीं लगा सकते, तो बिग जो अर्थात जो भी सटीक वर्ड बैठता है नाउन के पहले वही हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज अ ब्राउन चेयर, अर्थात जो चेयर है कैसा है, ब्राउन है, तो इसके कलर के बारे में भी बात की जा रही है, इट इज अ ब्राउन चेयर, अर्थात यहाँ पर ब्राउन जो क्या है, एडजेक्टिव है। यू सिंग अ लवली सॉन्ग, तुम एक प्यारा गीत गाते हो, इट मीन्स यहाँ पर सॉन्ग कैसा गीत गाते हो भाई, तो लवली, इट मीन्स यहाँ पर लवली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, अर्थात सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात तो लड़की कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। यहाँ पर देखा कि जितने भी एडजेक्टिव का प्रॉपर डिफिनेशन यही देख सकते हैं कि जो नाउन के बारे में वर्णन करता है वही तो हमारा एडजेक्टिव, हमेशा इन नाउन के पल्ले ही आते हैं, और नाउन का जो सटीक अर्थात सब शब्द नहीं नाउन के पहले बैठ सकते, जो भी वर्ड जो भी शब्द नाउन के पहले बैठते हैं वही आपका जो क्या होता है एडजेक्टिव के जैसे काम करता है।